फैसला है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तसर फैसला है महफूज किया था कल, वो सुना दिया है और तफसीलात तो उन्होंने बाद में जारी करनी है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दिया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो सदर की डेट थी उसको भी, वो नहीं जो फैसला किया था सदर की जानिब से, वो भी बहाल किया। और जो डेट्स अनाउंस की गई हैं पंजाब में उसके बारे में भी जो तफसीलात है वो सामने आ रही हैं। और सदर मुमलिकत का हुक्म बहाल रखते हुए उसमें कुछ तब्दीलियां जो हैं वो अलबत्ता की जा रही हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये शायद दो मराहल में भी तय पाए जा सकते हैं। 13 अप्रैल को जो है वो कागजात नामजदगी तक जो जमा कराना, उस पर एतराज़, वो उसको सारा मरहला उसको वाइंड अप करना होगा। तो दोनों ब्यूरो चीफ जो हैं वो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास साहब ब्यूरो चीफ लाहौर दोनों मौजूद हैं। माजरत आमिर इलियास साहब, फैसला आ गया है, फैसला आ नहीं रहा, फैसला आ गया है। और ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए तो जाहिर है फतह है, लेकिन हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा वो ज़ाहिर है कि वी कैन ओनली अज्यूम कि क्या हो सकता है। क्या इस फैसले को ना मानने की कोई गुंजाइश अब बचती है? देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इसको देखना होगा कि अभी आज 4 अप्रैल है और 10 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि आपको 21 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करेगी और इलेक्शन कमीशन तमाम इंतजाम करे, वरना वो वफाकी हुकूमत अगर पैसे नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने अमल किया था और इलेक्शन कमीशन ने जब 8 अक्टूबर की तारीख दी थी तो वो काबीना से तमाम तर जो इनकी मीटिंग्स हुई थी उस पर पूछा गया था वज़ीर आज़म को ख़त लिख के, और काबीना ने कहा था कि वाकई ना हम पैसे दे सकते हैं ना हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल हैं कि हम आपको दें। तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई उन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल अपनी जो विजडम है, जो 3 जज बैठे हुए थे, उन्होंने फैसला दिया कि 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। गो के 90 दिन से ऊपर अमली तौर पर तो बहुत आगे चले गए ना, 1 महीना तकरीबन आगे जा चुके। अब ये 14 मई की तारीख देखे, अब इसमें जजेस ने अपना काम करना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो अकलियती फैसला था फायदीसा साहब का, और अब एजाजुल अहसन साहब की सरबराई में एक 6 रुकनी बेंच वो भी तश्कील दे दिया है जो काजी फायदीसा के केस को देखेगा। जाहिर है कि चीफ जस्टिस के ऊपर वफाकी हुकूमत ये मुसलसल इतराज़ात कर रही थी कि ये 4-3 का फैसला था, आप लोग इस बेंच को 3-2 का कह के फैसले को आगे लेके जा रहे हैं और नहीं करना चाहिए, और आपको लार्जर बेंच बनाना चाहिए या फुल कोर्ट बना दें, जो मुस्तरद हो गई थी। और हम फैसले से पहले तवक्को कर रहे थे कि शायद कोई ऐसा फैसला आएगा कि वो कोई बातचीत का रास्ता